नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज राजस्थान। घर में पाले गए हमारे पालतू जानवर भी खतरनाक हो सकते हैं। बड़े ही लाड़ प्यार से हम उन्हें रखें और उनकी हर जरूरत का ध्यान भले ही हम रख लें, लेकिन कहीं ना कहीं हम ये भूल जाते हैं कि आखिर वो हैं तो जानवर ही। राजस्थान की राजधानी जयपुर में अजमेर रोड स्थित टैगोर नगर इलाके में एक पालतू पिटबुल ने 11 साल के बच्चे पर जानलेवा हमला कर दिया। हमले में डॉगी ने मासूम को बुरी तरह से जगह जगह से काट खाया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे गंभीर हालत में जयपुर के एक अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। बताया जा रहा है कि डॉगी के हमले से मासूम के हाथ, पैर, सिर और चेहरे पर 20 गहरे घाव हो गए हैं। पिटबुल डॉगी को पालना कई देशों में बैन है। कुत्ते के इस नस्ल को बेहद खतरनाक माना जाता है। यह शिकार को जबड़ों में जकड़ लेता है। नगर निगम के एनिमल शाखा ने पिटबुल को कस्टडी में ले लिया है। जानकारी के अनुसार मासूम पर हमला करने की घटना सोमवार को टैगोर नगर इलाके की हनुमान वाटिका में हुई है। इस डॉगी ने अपने मालिक के घर में किराए पर रहने वाले मजदूर के 11 साल के बेटे विशाल को काट लिया। लोगों की माने तो यह डॉगी दीवार फांदकर मजदूर के घर में आया और उसने मासूम विशाल पर हमला कर दिया। बच्चे के रोने चीखने की आवाजें सुनकर स्थानीय लोगों ने मासूम को डॉगी के चंगुल से मुक्त कराया और उसे इलाज के लिए अस्पताल भेजा। हमले में विशाल पूरी तरह से लहूलुहान हो गया। स्थानीय लोगों ने इस मसले को लेकर डॉगी के मालिक दुर्गेश हाड़ा और अन्य लोगों के खिलाफ चित्रकूट थाने में शिकायत भी दर्ज करवाई है। लोगों का कहना है कि पिटबुल नस्ल के डॉगी को पालना गलत है। घरों में पालतू जानवर पालने के लिए नगर निगम में रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, लेकिन विडंबना यह है कि ना तो लोग पालतू जानवर पालने के लिए रजिस्ट्रेशन करवाने को लेकर संजीदा हैं और ना ही नगर निगम। पालतू जानवर का रजिस्ट्रेशन कराने से नगर निगम को इस बात की जानकारी रहती है कि किस घर में कौन सा जानवर पाला जा रहा है। रजिस्ट्रेशन जारी करते वक्त पालतू डॉगी के लिए कई तरह के दिशा निर्देश भी जारी किए जाते हैं, लेकिन रजिस्ट्रेशन की अनिवार्यता को लेकर नगर निगम कोई संजीदगी नहीं दिखाता। जयपुर नगर निगम के पूर्व मुख्य सचेतक गिरिराज खंडेलवाल ने जयपुर शहर के सभी सार्वजनिक पार्क में पालतू डॉगी को घुमाने पर लगी रोक की सख्ती से पालना के लिए विशेष अभियान चलाने की मांग की है। उन्होंने कहा, नगर निगम घरों में डॉगी पालने के लिए लाइसेंस जारी करे और नियमों की पालना नहीं करने वालों का लाइसेंस निरस्त कर उन पर भी भारी जुर्माना लगाया जाए। खंडेलवाल ने मासूम पर विदेशी नस्ल के पालतू डॉगी की ओर से किए गए जानलेवा हमले के प्रकरण में उसके मालिक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने कहा कि नगर निगम इस मामले में पीड़ित बच्चे को 4 लाख रुपए का मुआवजा दे और इलाज का सारा खर्चा वहन करे। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो सीबीसी न्यूज वायर का चैनल सब्सक्राइब करिए, पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाइए, ताकि जब भी हम आपके लिए कोई खबर, कोई जानकारी लेकर आएं तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो CBC वायर का पेज लाइक करिए। अगर आप Instagram पर देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं।